आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। प्रमोद तिवारी 10 मिनट्स। वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रपति के भाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं जब से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है इसे पढ़ रहा था, मैंने पहली बार देखा कि इस राष्ट्रपति के जी के अभिभाषण में जैसे इस सरकार के जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। और अगर मैं से एक वर्ड में कहूं तो महामहिम राष्ट्रपति के प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा, व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, लंबी उम्र की दुआ करता हूं, पर इस सरकार का ये डाइंग डिक्लेरेशन है जो राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने दिया है, आपने स्वीकार कर लिया है, आपने स्वीकार कर लिया है कि हम असफल हैं, हमारे पास अब भविष्य की कोई योजना नहीं है। आप ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं, ये योजना चल रही, योजना चल रही, योजना चल रही। अरे राष्ट्रपति के अभिभाषण की परिभाषा तो समझिए, उसमें आपको ये बताना होता है कि इस साल सरकार क्या करने जा रही है, सरकार क्या करने जा रही है। मैं अपनी बात दोहराता हूं कि ये इस सरकार का डाइंग डिक्लेरेशन है। मैं एक साथी मेरे कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 3.5 साल 4 साल में हम पे कोई आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का। मैं एक चीज कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये राफेल का क्या घोटाला है, 500 करोड़ का 1500 करोड़ में खरीद रहे हो, इकट्ठा तिगुना मार रहे हो, व्यापम क्या है, ये घोटाला नहीं है, 51 लोग मारे गए, ये छत्तीसगढ़ का घोटाला क्या है, ये राजस्थान में, मैं भाजपा सरकार की बात कर रहा हूं, आपकी छत्र छाया में जो फल फूल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, राजस्थान में जो 40,000 करोड़ का घोटाला ही क्या है, अरे टेंडर तो करा लेते, दूसरों की माइन तो देख रहे थे, आपने तो अपनी माइन से वो निकलवा दिया जिसका टेंडर भी नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जो महाराष्ट्र का पतंजल घोटाला हुआ है नागपुर का, ये क्या है, चिक्की घोटाला, वो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने तो अभी कुछ घोटालों का जिक्र किया है, चिक्की घोटाला में, चिक्की घोटाला जो है ये क्या है, अब वो मैं चाहता हूं, प्लीज सिट डाउन, लेट यू स्पीक, व्हेन योर टर्न कम्स यू स्पीक। पेट्रोलियम घोटाला गुजरात का क्या है, ये कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने घोटाले की परिभाषा बदल दी है, आपने तो घोटाले को दक्षिणा मान लिया है, आप उसे स्वीकार कर लेते हो। मैं तो आपकी कुंडली का कुछ ग्रह पढ़ रहा था, सुनिए, तो ब्राह्मण आदमी हूं, मेरा काम ही यही है, तो मैंने तो कुछ ही बताया, अभी आप क्यों परेशान हो रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी कुंडली जब पढ़ी जाएगी तो हमारे नेता आजाद साहब विरोधी दल ने एक चीज कही थी कि आपको रिपैकेजिंग बड़ी अच्छी आती है, और मैं जानते क्या कहता हूं आपके लिए, आपके घोटाला करने की स्टाइल बड़ी अच्छी है, तरकीब बहुत अच्छी है, लोग फुटकर में करते हैं रिटेल में, आप होलसेल में मार देते हो, आप ये कर देते हो। अब ये क्या है जो मेरे ख्याल से जयराम जी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, शेयर मार्केट में जो गिरावट आई है बजट के बाद, ये क्या है, ये आप करा रहे हो, गिराओगे फिर भरोगे, लोग तो सैकड़ों की बात करते हैं, आप तो लाखों करोड़ कर जाते हो, लेकिन विशाल लोग हो, 60,000 का 80 करोड़ बनाते हो, आप तो डकार भी नहीं लेते हो, आप उतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर देखें आप तो 4 साल में आपको जो करना था किया कुछ नहीं,
आप बस ध्यान हटाते रहते हो, ना 15 लाख का जिक्र है आपका, ना आपका रोजगार का जिक्र है। आपके आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके आंकड़े कह रहे हैं कि हम 70 लाख को रोजगार देंगे। आप तो 2 करोड़ की बात ही नहीं कर रहे हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि सारे सेक्टर्स में रोजगार घट रहे हैं, जहां पर जिन पदों पर बहुत नियुक्ति नहीं हुई पद आप समाप्त कर रहे हो, तो आपकी सरकार जानी जाएगी सबसे ज्यादा रोजगार घटाने वाली, जो हमने पैदा किया था 2 चीजों के लिए। ये इल्जाम आपके सर पर है। पहला इल्जाम, जो देश का हमने ताना बाना गांधी जी ने बुना था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपने उसको तोड़ा। और दूसरा आप पर इल्जाम ये रहेगा, मनमोहन सिंह सरकार ने जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी थी उसको आपने नष्ट किया, तोड़ दिया। ये 2 इल्जाम आपके सर पर हैं आपकी 4 साल की सरकार की उपलब्धि में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा आपको गुरूर है कि आप चुनाव जीतते चले जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, राजस्थान का जिक्र करूंगा तो आपका स्वाद खराब हो जाएगा, चिपकी याद आने लगेगी आपको, 3 की 3 आप हार गए, उसके बाद भी आपके समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश बाय इलेक्शन हुआ, वहां क्या हुआ? छत्तीसगढ़ क्या हुआ उसमें आपका? मणिपुर और गोवा जब आप कहते हो कि आपका बहुमत आया है तो मैं छत की तरफ देखने लगता हूं कहीं गिर ना जाए, इतना बड़ा झूठ। अरे आप गोवा में जितने थे उसके आधे रह गए। पर आपको धन्यवाद देना चाहिए राज्यपाल को, आपको धन्यवाद देना चाहिए तमिलनाडु में क्या हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं पंजाब में जो कुछ हुआ तो हम जिक्र ही नहीं करते। अरे गुजरात में अगर जरा भी दीवार पर लिखी इबारत पढ़ लो तो मॉडल वहीं से पैदा हुए थे और वही 3 डिजिट से 2 डिजिट पे आ गया। और मैं इतना कहना चाहता हूं 3 जिले अगर निकाल दो तो जिस 49% की बात कर रहे हो ना आप, 40 के नीचे आ जाओगे। पर 3 जिले आपने मैनेज किए, बड़ौदा नहीं, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जरा परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। मैं तो आजकल खाली रहता हूं इसलिए कुछ सब पढ़ लेता हूं, पर आपके पास तो काम है, थोड़ा टाइम निकाल के आप पढ़ लीजिएगा। आप पर इल्जाम है कि मजबूत अर्थव्यवस्था जो दी थी हमने, आपने उसको कमजोर किया, देश के ताने बाने को तोड़ा, संवैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया, भारत की प्रगति को रोका, देश को कमजोर किया, सरकार की विश्वसनीयता समाप्त की। और आज का अखबार अगर पढ़ सको तो अगर आंख में आंसू ना हो तो ग्लिस्टरीन लगा लो। 4 सैनिक आज फिर मारे गए, एक बहादुर कैप्टन है उसमें। आप अगर जोड़ो तो 44 महीने के अंदर आपकी सरकार के जितने सैनिक मारे गए हैं, शहीद हुए मैं उनको कहूंगा, उतने सैनिक कारगिल युद्ध में भी नहीं शहीद हुए थे। एक युद्ध पूरा लड़ने के बाद, क्योंकि आपको शौक है, आप काबुल से चलोगे, उड़ोगे, बिन बुलाए लाहौर पहुंच जाओगे, चरणों में गिर जाओगे और उसके बाद लौट के आओगे। मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूं कि आप जरा देखिए, यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में 500% 500 गुना ज्यादा युद्ध विराम की सीमा का उल्लंघन हुआ है। 500% मैं फिगर देता हूं आपको, 44 महीने में 160 सीज फायर का उल्लंघन इसी साल हो गया है और 2474 आपके 4.5 साल के कार्यकाल का है, जो हमसे 500% ज्यादा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, 340 पर्सनल हमारे जवान शहीद हुए हैं अर्धसैनिक बल और सैनिक बल के, और 194 सिविलियंस मारे गए हैं। कहां गया 56 इंच का सीना आपका? एक के बदले 10 लाएंगे। और आज मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा और तकलीफ हुई, और मैं इजहार करना चाहता हूं उस पीड़ा का, उस दुख का, जब आदरणीय अमित शाह जी बोल रहे थे, मेडन स्पीच थी उनकी, उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ देश के इतिहास में पहली बार। तो उस समय आप अपमान कर रहे थे उन सैनिकों का जिन्होंने एक नहीं दसियों बार सर्जिकल स्ट्राइक किया।
आप अपमान कर रहे थे 1971 के युद्ध का, जब दुनिया के नक्शे पर भूगोल बदलकर बांग्लादेश पैदा किया गया। आप अपमान कर रहे थे वीर सैनिकों का अपमान कर रहे थे जिन्होंने शहादत दी। पर फर्क इतना है, हम देश के लिए जीते हैं, आप दल के लिए जीते हो। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, हम उसका जिक्र नहीं करते थे, और अब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आप उसका पॉलिटिकल फायदा उठाते हो, क्योंकि आपको दल प्यारा है, हमको हिंदुस्तान प्यारा है। यही आप में और हम में फर्क है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने अपमान किया है। प्लीज कंक्लूड। एक या दो मिनट दे दो तो ठीक है, नहीं को बात नहीं, कंक्लूड कर। मैं कंक्लूड कर, प्लीज कंक्लूड। प्रधानमंत्री का अपमान किया, यू स्पीक इन योर टर्न। मैं बात खत्म। द इंटरप्शंस दैट टाइम शुड बी टिक्ड ऑफ। नो, डिस्टर्बशन ओनली आफ्टर 10 मिनट्स। टाइम शुड बी गिवन। नो, ही स्टार्टेड स्पीकिंग ओनली आफ्टर 10 मिनट्स। मैं ही डिड नॉट डिस्टर्ब। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, बात खत्म कर रहा हूं। इनका सबसे बड़ा इस देश के किसानों के साथ जो इन्होंने क्रूर मजाक किया, इन्होंने कहा ने एमएसपी का 50% बढ़ा दिया, एमएसपी बढ़ा दिया 50%, लेकिन जो लागत थी उसको कम कर दी। तो ये तो सड़क पे बाजीगर भी जो होता है ना, इस तरह हाथ की सफाई नहीं दिखाता जिस तरह आपकी सफाई है। अरे ये क्या बात हुई, ड्योढ़ा किया, और ड्योढ़ा जिसका किया उसकी लागत पे कम कर दिया आपने। आपने कह दिया कि इसकी लागत कम आई, उसका ड्योढ़ा कर दिया। अगर यही सही था तो एक पैमाना है, आपके राज्य में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है इसका जवाब चाहिए हमें। आपके राज्य में पलायन क्यों हो रहा है इसका हमें जवाब चाहिए। और दूसरा एक अनुरोध है आपके माध्यम से कम अब तो गरीब के जेब पर, आम आदमी के जेब पर डाका डालना बंद करो। आज का रेट है पेट्रोलियम का 67.87 पर बैरल, आज का, अभी का, 2-3 घंटे पहले का। और आपने बेचा क्या है आज 73.08 पेट्रोल, और मैंने वही कहा डॉलर पर बैरल, मैं कह चुका। अब रुपए पे आइए, 73 रुपीज पेट्रोल है, 64 रुपए डीजल है। ये डीजल क्या है किसान को, इनका मालूम नहीं, तो पूंजीपतियों की पार्टी है, इनको मालूम नहीं है। डीजल इस्तेमाल होता है सिंचाई में, डीजल इस्तेमाल होता है ट्रैक्टर में, डीजल इस्तेमाल होता है जब आप फसल को मलाई करते हो। तो सबसे ज्यादा डाका अगर आपको डाल रहे हो तो किसानों की जेब पर डाका डाल रहे हो। मैं सिर्फ एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। मैं अपनी बात पे बल देते हुए कहना चाहता हूं, इस सरकार का डाइंग्रेशन नहीं कहूंगा, मृत्य पूर्व दिया गया बयान है सरकार। प्लीज कंक्लूड। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।